तो दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो बिग बॉस के एपिसोड को अभी अपने यूट्यूब पर डाल रहे हैं और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं और उनका कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैंने काफ़ी यूट्यूब पर ढूंढा, गूगल पर ढूंढा, चैट जीपीटी में ढूंढा, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कि यार मैं बिग बॉस को जो एपिसोड है वो कैसे अपने यूट्यूब पर डालूँ जिससे मेरे कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल भी ना आए, कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं आए। लेकिन मेरे को ये तरीका पता चल गया कि बिग बॉस के एपिसोड अपन कैसे डाल सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ गाइस, बस छोटा सा ये वीडियो हो सकता है और लंबा भी हो सकता है, तो आप अगर इस वीडियो को बिना स्किप करके देखते हो, मेरी गारंटी है कि आपका जो लाइव जो आप बिग बॉस के एपिसोड डालना चाहते हो वो आराम से आप लोग डाल सकते हो और जो आपके सब्सक्राइबर्स होंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि बिग बॉस अभी जो है ना सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का चैनल मोनिटाइज हो जाएगा और आप पैसे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं सीधा मोबाइल स्क्रीन की ओर चलूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कैसे बिग बॉस के एपिसोड आप लोगों को डालने हैं यूट्यूब पे। तो चलो यार मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं बिग बॉस के एपिसोड्स यूट्यूब पर कैसे अपलोड करें विदाउट कॉपीराइट एंड विदाउट स्ट्राइक। तो चलो मोबाइल स्क्रीन की ओर चलते हैं। आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर, सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, काइन मास्टर एप्लीकेशन की। तो मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में चला जाता हूँ और आपको अगर ये काइन मास्टर एप्लीकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ पर काइन मास्टर एप्लीकेशन का मिल जाएगा विदाउट वाटरमार्क का। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और 16x9 का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने मूवी जो मेरा बिग बॉस एपिसोड है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास बिग बॉस जो ये आपको पता नहीं है कि बिग बॉस एपिसोड कहाँ से डाउनलोड करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं बता दूंगा कि एपिसोड्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कैसे डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर री रिकॉर्डिंग क्लिप्स हो रही है तो आपको यहाँ का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये पूरा होने के बाद मैं आपसे वापस मिलता हूँ। तो हमने अपना काइन मास्टर में बिग बॉस ले लिया और आपका पूरा एपिसोड आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पूरा एपिसोड डाउनलोड कर लिया है और अभी आप लोग कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो। ठीक है, अभी आपको एपिसोड कैसे डालना, अगर आप ऐसे नॉर्मली डालोगे तो आपका कॉपीराइट क्लेम वाला फिक्स है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। देखो यहाँ पर जो ये एंट्रेंस आ रही है ना, जो ये एक्स्ट्रा पीस आ रहा है इसको आपको हटा देना है, यहाँ पर करके ट्रिम कर देना है। ट्रिम मैंने कर दी, अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो सुबह का यहाँ का सॉन्ग आ रहा है ना, इस सॉन्ग को आपको काटना होगा। तो ठीक है, तो ये सॉन्ग है इसको अपन क्या करेंगे, काट देते हैं, सॉरी आगे का काटना पीछे का नहीं। ठीक है, अभी जो सॉन्ग है उसको आपको काट देना है सिंपली। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरी मूवी में जाना है और स्पीड पर क्लिक करके सबसे पहले तो आपको यहाँ पर थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड रखना पूरे में। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद में आपको करना है कलर फिल्टर बेसिक, आपको जो पसंद आए वो आपको फ़िल्टर कर लेना। मैं यहाँ पर इसको फ़िल्टर ऐसा कर लेता हूँ, एडजस्ट कर दिया मैं अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से करने के बाद में इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडजस्ट का ऑप्शन, कॉन्ट्रास्ट की जो है थोड़ा इसको बढ़ाना है, ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको बढ़ानी, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है और आप जो जैसे चाहो वैसे इसका एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखेंगे तो ब्राइटनेस सब कुछ सेट हो गया है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑडियो का ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑडियो पर क्लिक करने का ऑटो वॉल्यूम कर देना, यहाँ पर इसको एक रखेंगे और इसको राइट कर देना, आपको यहाँ पर 70 या 80 रख देना और यहाँ से आपको करना है 81, जितना जब आप मैं जैसा बताया हूँ वैसा ही रखना है और वॉइस होगी जो थोड़ी सी इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कॉपीराइट जो म्यूज़िक होगा वो हट जाएगा। अभी सिंपली क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये 1 मिनट का वीडियो हुआ तो यहाँ से आप देखेंगे तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये एड आ रहा है ना चटनी का, इसको आपको हटाना पड़ेगा वरना कॉपीराइट क्लेम ठोक देगा। इफेक्ट्स पर क्लिक करो, फिल्टर ये जो भी है इफेक्ट इसको ले लो, इसको सिंपली आपको क्या करना है ऐसे करके इस जो भी एड है इस एड को अपन को हटाना है सबसे पहले तो
तो अभी देखेंगे तो एड, मेरे हिसाब से इसको एड को अपन को नहीं दिखाना है, ठीक है? तो आपको जितना हो एड को हटा देना है। अभी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मेनली बात याद रखिए कि म्यूज़िक हमेशा आपको चेंज करना है, ठीक है? म्यूज़िक तो रखना ही चाहिए अपने को। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो, 50 सेकेंड इतना रखो। स्प्लिट प्लेड, ठीक है? स्प्लिट सब जगह जितना चाहो उतना फास्ट फास्ट में आपको पूरी एपिसोड के अंदर स्प्लिट कर देना। मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पूरे में स्प्लिट नहीं करूँगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पूरे एपिसोड में आपको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आपको दिखाई देगा वो यहाँ पर टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट पर जाने के बाद में आपको लिखना है सब्सक्राइब, बड़ा वाला लिखना है, छोटा वाला नहीं लिखना, ठीक है? यहाँ पर आपको करना है सब्सक्राइब, यहाँ पर कर देना है, थोड़ा बड़ा कर देना है और यहाँ पर आपको लग देना है। लगने के बाद में आपको आपका जो भी अच्छा दिखे फिल्टर लेना है, कलर ले लेना है और फॉन्ट वगैरह आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये आपको कर देना है, अच्छा लगाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर करके आपको कर देना है, मैं रख रहा हूँ रेड। यहाँ पर अच्छे से कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा अपना सब्सक्राइबर्स वाला। इसको आपको क्या करना है, अभी एक सेकंड गाइस, इसको ज़रा आप उसमें पूरे में डालना है, ठीक है? पूरे मूवी के अंदर जो भी अपना है पूरा एपिसोड, उसके अंदर ये सब्सक्राइब बटन होना चाहिए, ठीक है? तो आपको पूरा सब्सक्राइब बटन डाल देना है, ठीक है? इसको क्लिक करना है, एनिमेशन में जाके पॉपअप कर देना है। फिर आपको ओवरऑल एनिमेशन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, इस प्रकार से जाके ये ब्लिंक होता रहेगा, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, फिर इसको क्लिक करना है। ये सेकेंड वाला जो अपन ने स्प्लिट किया था इसको यहाँ पर करना है और पोजीशन को कुछ प्रकार से कर लेना है। एक को छोड़ना है, दूसरे में जाना है, ठीक है? दूसरे पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपको पूरा जगह ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा रखना है, ठीक है? ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल आने का चांसेस रहे नहीं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है? ऐसा हो गया। अभी जो भी आपके चैनल का नाम है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल जादूगर, तो मैं यहाँ पर टेक्निकल जादूगर करके ऐसा बड़ा कर देता हूँ, ऐसा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? ऐसा बड़ा करने के बाद में आपको ऑप्टिमाइजेशन दिखाई देगा। यहाँ पर ऐसा कुछ इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है? ऐसा आपको कर देना है, मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है? आप दिखाई देगा टेक्निकल जादूगर नाम का दिखाई देगा। अगर कोई भी डाउनलोड करता है ना अपना एपिसोड, तो हमारे चैनल का नाम आएगा और एडिटिंग की वजह से हमारे चैनल का भी नाम आएगा पूरी मूवी के अंदर, तो ये कॉपीराइटेड नहीं दिखेगा, ये आप लगेगा अपना ही, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने चैनल का नाम लिखे पूरी मूवी में लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आप, मैं देखूँगा 2-3 मिनट का हो गया है, 10-15 मिनट का आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, 3 मिनट का मैं यहाँ ले लेता हूँ। मीडिया पर क्लिक करो, बैकग्राउंड पर क्लिक करो और अच्छा सा कोई बैकग्राउंड लेना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है और लिखना है सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड, यहाँ पर क्लिक करो, ओके? यहाँ पर ऐसा लिख देना है, सही तरीके से देख लेना आपको, यहाँ पर कर देना, ओके? बड़ा करो, फॉन्ट अच्छा ले लो और अच्छे से इसको कर दो ताकि अच्छा दिखे, ठीक है? अच्छा दिखना चाहिए। अभी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ऐसा दिखाई देगा थोड़ा सा, ठीक है? तो अभी आप देखेंगे अपन का एपिसोड है वो एकदम तरीके से तैयार हो चुका है। तो ये पीछे का है, ये जो है इसका अपन को पीछे का पार्ट काट देना है। पीछे का पार्ट काटने के बाद में जो थोड़ा सा इतना मिनट का है एपिसोड, वो यहाँ पर इसको ट्रिम कर लो। ट्रिम करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से कर देना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसको ऐसा कर देना है छोटा, ठीक है? यहाँ से आपको करने के बाद में क्या करना है, जो पीछे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आपको पीछे चलो इसको, आपको पूरा जो पीछे का एपिसोड छोटा सा पार्ट है, छोटी सी क्लिप है पीछे का, वो आपको सबसे आगे रखने का, ठीक है? सबसे मेन आगे रखने का होगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले आगे रख लेता हूँ, ठीक है? ये आ चुका है और अपन का जो पार्ट है वो मैंने आगे रख लिया है, पार्ट आगे रख लिया है। और फिर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लाइक यहाँ पर जो भी अपना है वो टेक्निकल जादूगर वगैरह लाइक्स वगैरह, वो आपका टेक्स्ट वगैरह है वो यहाँ पर लिखा रहने देना है और लिखना है यहाँ पर
कमिंग अब इसमें लिख देना बड़ा कर देना ठीक है। अच्छा सा फॉन्ट कलर चूज कर लो, वॉल्ट डाल दो ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है एंड ओके एक सेकंड गाइस राइट करना है इसको ज़रा। यहाँ पर कमिंग अप पर जाना है और मैं इसको थोड़ा आउटलाइन बोल्ड कर देता हूँ ताकि ऐसा दिखाई देगा ठीक है। तो जितना भी आपका ये एपिसोड है ना आगे वाला क्लाइमैक्स पीछे का क्लाइमैक्स बचा हुआ है ना यहाँ पर ये होना चाहिए कमिंग अप अपने हिसाब से। मैंने तो बड़ा बहुत ज़्यादा ले लिया, आप छोटा सा 10 सेकंड का 5 सेकंड का लेना, ज़्यादा नहीं लेना ठीक है। इसको कर लेना है आपको ट्रिम। अभी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये एपिसोड दिखाई देगा। मेनली आपको क्या करना है, मेनली पॉइंट आपको याद रखना है फिल्टर ऑडियो एंड ये स्प्लिट्स और जो आप चैनल का नाम और जो ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वो ये मेन होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर कोई म्यूज़िक वगैरह आता है तो म्यूज़िक को आपको हटा देना है जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर ये सब कुछ होने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, वीडियो पर जाना है, इसको आपको क्लिक करना है, ऑन करना है, फेड राइट कर दो। अभी देखो कुछ इस प्रकार से आपका जो वीडियो है वो आएगा ठीक है। ये अपना जो वीडियो है पूरा यहाँ पर ऐड हो चुका है। फिर मीडिया पर जाना, बैकग्राउंड में जाना और वापस से कोई भी अच्छा सा लेना है और बड़ा कर देना है और यहाँ पर लिखना है ठीक है। यहाँ पर लिखना है आप जो अपनी मर्जी हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थैंक्स फॉर वॉच ठीक है। यहाँ पर बड़ा कर देना है ऐसा या फिर आप जो भी चाहो वो कर दो और छोड़ दो। फिर यहाँ पर शेयर पर क्लिक करो और अपने हिसाब से MB चूज़ करो और यहाँ से कर लो एक्सपोर्ट ठीक है। एक्सपोर्ट कर लेना है और आपको सिंपली यूट्यूब वीडियो पर अपलोड कर देना है। इससे आपका जो एपिसोड्स है वो अपलोड हो जाएंगे और आराम से आप लोग अपना एपिसोड डालकर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट एंड स्ट्राइक के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।